हेलो गाइस, वेलकम टू सॉरी अभी। तो भाई आज आपके लिए ले गया हूँ मैं 7 सीटर गाड़ी, जो गाड़ी हमेशा ही डिमांडिंग में रही है और आज भी है। इस गाड़ी पे ना हमेशा ही 1 साल 6 महीने, कम से कम ना 6 महीने की वेटिंग हमेशा ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? 7 सीटर गाड़ी ऊपर से CNG में सबसे बढ़िया एवरेज और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में आती है ये गाड़ी, और साइड से देखोगे ना काफ़ी प्रीमियम लगती है। इसमें ना कुछ एसेसरी के पार्ट लगे हुए हैं, वो मैं आपको बताता चलूंगा साथ के साथ में। बाकी अपनी साइड से अपनी गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है और रियर से कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है ना, वो मिल जाता है आपको 155 mm का मिल जाता है। व्हील मिलता है वो नीचे ही मिल जाता है। R15 के टायर मिलते हैं सभी आपको, और अलॉय मिलते हैं ना वो मिल जाते हैं आपको। R15 का अलॉय मिल जाता है, डायमंड कट अलॉय मिल जाते हैं। और व्हील बेस की बात की जाए ना, व्हील बेस मिल जाता है इसका 2740 mm का मिल जाता है। और इसकी विड्थ की बात की जाए तो विड्थ मिल जाता है आपको 1735 mm का मिल जाता है। और जो इसकी हाइट मिलती है ना वो मिल जाती है 1690 mm की। और जो इस गाड़ी का कर्व वेट मिल जाता है वो मिल जाता है 1250 kg का मिल जाता है। और इसका इंजन मिलता है वो मिल जाता है 1500 cc का इंजन मिलता है। K50 सीरीज का इंजन मिलता है, जो एवरेज देती है ना CNG में वो देती है 26 की, और पेट्रोल में देती है 20 की। कंपनी क्लेम करती है ये गाड़ी ना आराम से 15-16 तक निकाल लेती है। और इसके एक्स शोरूम की बात की जाए तो एक्स शोरूम मिल जाता है आपको 11,60,000 रुपये का। इतना सब मिल जाता है, 11,60,000 रुपये में आपको 7 सीटर गाड़ी मिल जाती है, वो भी CNG फिटमेंट कंपनी से। बाकी आप जानेंगे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। फ्रंट से अपनी गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देते हैं, जो इसके ग्रिल है ना क्रोम एलिमेंट लगा रखे, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, काफ़ी प्यारे लगते हैं। गंदे लग रहे हैं इसलिए आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, वैसे काफ़ी प्यारी लगती है गाड़ी। और यहाँ पे मिल जाता है बड़ा सा सुजुकी का लोगो, यहाँ पे भी क्रोम का वर्क कर रखा है, काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और जो इसकी लाइट मिलते हैं ना वो मिल जाती है आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, मिलते हैं पर हेलोजन में। ये मिल जाती है आपको साइड इंडिकेटर भी आपको हेलोजन में मिलते हैं। जो इसकी फॉग लैंप है वो भी आपको हेलोजन में ही मिलती है। और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको क्रोम का वर्क, जो अलग से लगाया एसेसरी का पार्ट है। जो इसका बम्पर मिलता है वो मिल जाता है आपको बॉडी कलर का। बाकी एक बारी लाइट जला देता हूँ, लाइट जलने के बाद अपनी गाड़ी की लाइट कैसी लगती है। लाइट कुछ ऐसी दिखाई देती है और फॉग लैंप कुछ ऐसी दिखाई देती है, काफी अच्छी लगती है। वैसे भी टॉप वेरिएंट होने के बावजूद ना इसमें ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे रखे, वो LED में दे देते ना, जब ये और भी अच्छी लगती और काफ़ी अच्छी लगती, काफ़ी प्यारी लगती। बाकी चलते हैं साइड प्रोफाइल से, साइड में अपनी गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके टायर साइज की बात की जाए ना, टायर साइज मिल जाता है R15 के टायर मिल जाते हैं, विद अलॉय मिलते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं आपको बॉडी कलर का ORVM, साइड इंडिकेटर मिल जाता है आपको ORVM पे, फेंडर पे आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलता है। जो आप क्रोम का वर्क देख रहे हो ना ये एसेसरी का अलग से पार्ट लगा हुआ है, और जो साइड मोल्डिंग देख रहे हो ये भी अलग से ही लगा है। डोर हैंडल है वो मिल जाते हैं आपको, सभी क्रोम हैंडल मिल जाते हैं सभी की सभी। यहाँ पे मिल जाते हैं पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड मिल जाता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर, और अपना ड्राइवर साइड डोर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे मिल जाता है वुडन का वर्क, यहाँ पे मिल जाता है क्रोम एलिमेंट के साथ में, और ये मिल जाता है आपको पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पे मिल जाते हैं ORVM के कंट्रोल इलेक्ट्रिकली, और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको एक ग्रैप हैंडल, यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको एक बोतल होल्डर, और यहाँ पे मिल जाता है थोड़ा सा स्पेस, और यहाँ पे मिल जाता है एक स्पीकर की प्लेसमेंट, और यहाँ पे एक ट्यूटर की प्लेसमेंट। इसमें जो सेट आता है ना वो आता है 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर का सेट आता है। और इसकी सीट की बात की जाए ना, सीट ऐसी मिल जाती है फैब्रिक की सीट मिल जाती है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और सीट मिल जाती है हाइट एडजस्ट के साथ में मिल जाती है। यहाँ पे मिल जाते हैं आप फ्यूल टैंक ओपन, और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे मिल जाता है CNG से पेट्रोल, पेट्रोल पे CNG करने का बटन, और यहाँ पे मिल जाता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, और ये मिल जाता है आपको लाइट लेवलर, वुडन का वर्क मिल जाता है, काफ़ी अच्छी लगती है। और फ्रंट से अपना कैबिन कुछ ऐसा दिखाई देते हैं। फ्रंट से देखोगे ना काफ़ी अच्छी फील आती है इस गाड़ी में भी, और ये आपको पूरा का पूरा वुडन के साथ में मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है एक AC इवेंट, टोटली 4 AC इवेंट मिल जाता है। वहाँ पे आपको एक ट्विटर की प्लेसमेंट, डैशबोर्ड मिलता है आपको थोड़ा थोड़ा कीसा मिल जाता है, और ये मिलता है आपको को ड्राइवर साइड का डोर, यहाँ पे मिल जाता है आपको पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे मिल जाता है आपको क्रोम का हैंडल इनसाइड में, और यहाँ पे भी आपको वुडन का वर्क मिल जाता है। यहाँ पे ग्रैप हैंडल मिलता है वो मिल जाता है एडजस्टेबल,
और सनवाइजर मिल जाता कुछ ऐसा, इसमें एक विनिटी मिरर और यहाँ पे एयरबैग की बैचिंग, और यहाँ पे IRV मिलता है, डे नाइट मैनुअली एडजस्ट के साथ में मिल जाता है, लैंप मिल जाती है कुछ ऐसी हेलोजन के साथ में, और यहाँ पे मिल जाता है आपको एक सनवाइजर टिकट होल्डर के साथ में, स्टूडियो मिलता है वो मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ में। बाकी एक बारी चला देते हैं, अपना स्टूडियो कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है एडजस्ट लाइट का ऑप्शन, यहाँ पे मिल जाता है AC करने के लिए, और यहाँ पे मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे मिल जाता है USB का पॉइंट, और यहाँ पे मिल जाता है थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे भी आपको जो मिलता है ना वो मिल जाता है, कूलिंग के साथ में मिल जाता है 2 कप होल्डर, और ये की फोक कुछ ऐसी मिल जाती है अपनी, और 5-speed मैनुअल के साथ में अपनी ये गाड़ी आती है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ में, यहाँ पे मिल जाता है आर्म रेस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस के लिए, और इसके स्टेयरिंग की बात की जाए तो स्टेयरिंग मिल जाता है कुछ ऐसा, यहाँ पे मिल जाते हैं वॉल्यूम के कंट्रोल, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, टॉप वेरिएंट पे भी आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको एक सुजुकी का लोगो, और यहाँ पे मिल जाता है आपको फ़ोन कट करने के लिए, उठाने के लिए, और वॉइस कमांड देने के लिए, जो स्टेयरिंग मिलता है ना वो मिल जाता है आपको डी सेफ में, जो स्टेयरिंग मिलता है ना ओनली टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिंग नहीं मिलता है, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना कुछ ऐसा मिल जाता है, बीच में मिल जाता है आपको सारी इन्फॉर्मेशन के लिए MID, और यहाँ पे मिल जाता है आपको एक टैकोमीटर, और यहाँ पे मिल जाता है स्पीडोमीटर, यहाँ पे मिल जाता है आपको हेडलाइट का कंट्रोल, और यहाँ पे मिल जाता है वाइपर के कंट्रोल, अपनी अर्टिगा ZXi की फ्रंट रो में ऐसा कुछ स्टूडियो मिल जाता है, इतना सब मिलता है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको बोनट ओपनर, और यहाँ पे मिल जाता है आपको फ्यूल टैंक ओपनर, 3 लीवर मिल जाते हैं, यहाँ पे साइड में क्लच मिल जाते हैं, यहाँ पे बीच में मिल जाता है आपको ब्रेक, और इधर की साइड में मिल जाती है आपको रेस, यहाँ पे भी आपको पैर रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, इतना सब मिल जाता है अपनी गाड़ी के फ्रंट रो में। बाकी चलते हैं इसकी सेकेंड रो में, सेकेंड रो का डोर कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पे आपको एक क्रोम हैंडल मिल जाता है, सभी मिल जाता है आपको क्रोम के हैंडल, और यहाँ पे मिल जाता है पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे मिल जाता है थोड़ा सा स्पेस पकड़ने के लिए, और यहाँ पे मिल जाता है सॉफ्ट टच मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको एक कप होल्डर, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे भी आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, और अपनी रियर की सीट, सेकेंड रो की सीट कुछ ऐसी दिखाई देती है, और रियर की कुछ ऐसी दिखाई देती है। बाकी चलते हैं अब बारी अंदर, अगली सीट ना मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, बट पीछे के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, अब मैंने ना अब सीट हिसाब से कर रखी है, पीछे की भी बैठना चाहता है वो भी शांति से बैठ सकता है, ठीक से बैठ सकता है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है एक ग्रैप हैंडल, यहाँ पे मिल जाता है 4 AC वेंट, यहाँ पे मिल जाता है एयर को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे मिल जाता है आपको एक ग्रैप हैंडल, एडजस्टेबल मिल जाता है, आर्म रेस्ट आपको आगे की साइड में मिलता है, और ये मिलता है ना आपको, इसका फ्रंट देखोगे काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी प्रीमियम और ऑफिशियल लुक देता है अपनी ये गाड़ी। बाकी आप इसके सेकंड रो में जाना चाहते हो ना, थर्ड रो में जाना चाहते हो, तो आपको सीट को आगे करना पड़ेगा, इतनी कुछ सीट हो जाती है, थोड़ी बहुत और हो जाती है। बाकी चलते हैं इसकी थर्ड रो में, यहाँ पे मिल जाता है आपको एक कप होल्डर, और यहाँ पे मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे मिल जाता है ग्रैप के लिए हैंडल, और यहाँ पे भी आपको ग्रैप के लिए हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको एक मिल जाता है कप होल्डर, और यहाँ पे मिल जाता है आपको एक लैंप, इतना कुछ देखने को मिल जाता है अपनी थर्ड रो में, और ये स्पेस मिल जाता है, वैसे कोई छोटा बच्चा बैठना चाहता है ना आराम से कम्फर्ट होकर बैठ सकता है, ये सीट मैंने आगे नहीं की है, बट ये थोड़ी और आगे हो सकती है। इतना कुछ स्पेस बन जाता है, आपको अंदर जाना है तो इतना कुछ स्पेस बन जाता है, इस सीट को पीछे कर दो तो इतना कुछ ऐसी लग, इतना सब मिल जाता अपनी गाड़ी के इंटीरियर में। बाकी चलते हैं इसके बूट में, बूट अपना कुछ ऐसा मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है आपको CNG सिलेंडर 60 लीटर के साथ में, वैसे 12 kg का होता है, और इसमें 5 तो नहीं 8-9 kg के अराउंड में CNG डलवा सकते हो। अगर जो आप बूट को बढ़ाना चाहते हो, लॉन्ग रूट पे जा रहे हो ना, तो अपनी सीट को कुछ ऐसे फोल्ड करके आराम से जा सकते हो, और यहाँ पे आप मिल जाता है आपको
टूल अंदर मिल जाते हैं, इतना सब मिल जाता है अपनी अर्टिका ZX सही CNG में। और इसमें जो एसेसरी का पार्ट है ना, ये भी साइड मोल्डिंग आपको एसेसरी के पार्ट में मिल जाती है। यहाँ पे मिल जाता है फ्यूल टैंक जो 45 लीटर का है, इतना सब मिल जाता है अपनी अर्टिका ZX CNG में। और इसके एक्सोरूम की बात की जाए ना, एक्सोरूम मिल जाता है आपको 11,60,000 रुपये का। आप बताना 7 सीटर गाड़ी और इतनी अच्छी एवरेज के साथ में वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है या नहीं। बाकी वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।